चलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जानने वाले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे करके ड्रॉ किया जाता है मार्केट में। ये ऑटोमेटिक एक इंडिकेटर है जो हम लोग इंडिकेटर यूज करके हमने देखिए मार्केट में जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। जो बिगिनर है मार्केट में, जो नया आया हुआ है मार्केट, जो सीखना चाहता है कि उसका लिए क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा जो है थोड़ा सा असुविधा हो जाता है उसको देखने के लिए, है ना। मार्केट में जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको थोड़ा समझने में असुविधा होता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है, कहाँ कहाँ हम लोग को मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजना पड़ता है या ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं मार्केट में कैसे करके ट्रेड लाइन ड्रॉ किया जाता है, मार्केट में कैसे करके रेजिस्टेंस और मार्केट में कैसे। ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर पूरा पूरी फ्री इंडिकेटर है, जो है इंडिकेटर जो बहुत बढ़िया काम करता है मार्केट में, है ना। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट में हम लोग को इंडिकेटर के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिकेटर जो है, ये जो इंडिकेटर हम लोग मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ये इंडिकेटर बहुत बेहतरीन काम करता है। इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, पहले चलिए देखते हैं। चलिए तो मार्केट में जाकर जाना है इंडिकेटर में। ये देखिए इंडिकेटर का लोगो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ऊपर में जाता है इंडिकेटर में, ट्रेडिंग व्यू में चल जाइएगा, जाके आप लोग को इंडिकेटर में जाकर जाना है। इंडिकेटर में जाके यहाँ पर सिंपल से लिखना है सपोर्ट, है ना। अगर हम लोग सपोर्ट लेते हैं, देखिए यहाँ पर शुरू में ही दिया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक एक्स एल को ट्रेडिंग, है ना। तो यहाँ पर जाकर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जाकर हम लोग को ये जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर जाकर हम लोग को सिंपल सा है हम लोग को लगा लेना। इसको डबल क्लिक करने से इंडिकेटर आप लोग का लग जाएगा, है ना। जाकर हम लोग का इंडिकेटर लग जाता है। देखिए इंडिकेटर लगने के बाद क्या हो गया, इंडिकेटर हम लोग के पास आके निकल के आ गया, मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये ऑटोमेटिक निकल के हम लोग को दे देता है कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के देखिए ऑटोमेटिक दे देता है। ये आज का मार्केट, मार्केट फिलहाल देख रहे हैं कि अभी चालू है मार्केट, अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट देखिए चालू है, है ना। ये आपको इसीलिए मैं मतलब लाइव ट्रेडिंग, मतलब लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ मार्केट में जो इंडिकेटर है जो काम करता है, मगर इसको काम करने के लिए सही से जानकारी आप लोग को बहुत 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 जरूरी है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग को सपोर्ट मिल गया ऊपर सुबह सुबह, तो हम लोग यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट से भी हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पर हम लोग को कोई जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर, मगर हम लोग को यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हम लोग को इंडिकेटर दे नहीं रहा, तो इसलिए क्या करना है हम लोग को वेट करना है कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है नीचे में, और ऊपर में एक दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, है ना। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का जो कलर है वहाँ पर देखिए हम लोग को रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो हम लोग को सपोर्ट का जो कलर है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर है ना। तो ये दो को, ये जो इंडिकेटर है बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों। अगर आप नया है, नया सीखना चाहते हैं, तो इंडिकेटर लगा के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में देखिए बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर जो पहले था सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के क्या किया, इसी में सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला गया, है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक इंडिकेटर है दोस्तों। आप लोग इस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन एक इंडिकेटर है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग लाइव मार्केट में, आप लोग को दिखा रहे हैं कि लाइव मार्केट में कैसे करके ट्रेड हम लोग को मिलते रहता है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे तरफ आया, वहाँ पर रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो मार्केट में ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल के दे देता है। निफ्टी चार्ट हो या बैंक निफ्टी का चार्ट हो या तो फिर निफ्टी का चार्ट हो, कहीं भी आप लगाइए। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, जाके हम लोग निफ्टी में अगर देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, है ना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग जाके देखते हैं, अगर जाके हम लोग निफ्टी में अगर देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में देखिए निफ्टी में भी सेम साइज वो अपने आप चलाया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल के चलाया देखिए मार्केट में, है ना। ये बहुत बेहतरीन टूल है दोस्तों। मगर मार्केट में जो है ये बहुत बेहतरीन काम करता है, देख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑटोमेटिक निकल के चला आया, आपको कुछ जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के, ये ऑटोमेटिक निकल के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के वो ऑटोमेटिक दे देता है। तो मार्केट में यही एक बहुत ही बढ़िया टूल्स है जो बहुत बढ़िया काम भी करता है ना, ये ऑटोमेटिक है। सो दोस्तों आजकल इतना ही। स्टॉक मार्केट के लिए अगर और कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इंडिकेटर के कुछ बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी इंडिकेटर, जो भी स्टॉक मार्केट में कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग का डिमांड सही डिमांड करिएगा, तभी जगह आपको सप्लाई मिलेगा। मतलब आपका जो भी डिमांड रहेगा आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाना सकते हैं। और अगर आप लोग को बढ़िया लगे वीडियो तो एक लाइक श्योर से श्योर कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट के लिए कुछ जानना है, सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए। जो मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक नया वीडियो चला LTV का LTV भी बोल का चैनल में, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
जय हिंद। और सभी को धन्यवाद, शुक्रिया जो हम मेरा वीडियो इतना वक्त देख कर देखे हैं आप लोग, है ना। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और इंडिकेटर जो है 10 दिन 20 दिन आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को एक्यूरेसी आस्ते आस्ते आएगा। आप लोग को लाइन भी ड्रॉ करना सीखना है कि लाइन ड्रॉ भी कैसे किया जाता है। इसीलिए इस इंडिकेटर का सपोर्ट लेके आप लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ बन सकता है मार्केट में, कैसे कैसे बनता है ना। इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।